नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिताली सहेगल और प्रस्तुत है आज के समाचार। श्रीनगर लाल चौक में सीआरपीएफ पार्टी पर हुआ बड़ा ग्रेनेड हमला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर चलाया तलाशी अभियान। इस हमले में महिला सहित दो पुलिस कर्मचारी भी हुए घायल। खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान था जारी। कुलगाम मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के 5 आतंकी ढेर। मरने वाले आतंकियों में एक पीएचडी स्कॉलर भी शामिल। एक स्पेसिफिक खबर मिली थी, कलम के गांव है, उस वहाँ गांव में एक स्पेसिफिक घर में कुछ मिलिटेंट जो हैं छुपे बैठे हैं, उनके साथ हथियार वगैरह हैं। तो हमने 9RR सीआरपीएफ और पुलिस कुलगाम ने, 18 बटालियन सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है। और उस ज्वाइंट ऑपरेशन के लॉन्च करने के बाद 3 बजे हमारा जो कॉर्डन है वो इफेक्टिव हो गया और हमने मिलिटेंट्स को फर्स्ट लाइट पे पहले सरेंडर करने के लिए बोला। हमने कहा, क्योंकि हमें कुछ आइडिया था कि ये सारे लोकल मिलिटेंट्स हैं, हमने उनको ऑफर की थी सरेंडर करने की। उसके हमारी ये ना सुनते हुए सरेंडर की मतलब रिक्वेस्ट ना सुनते हुए उन्होंने वहाँ से फायर किया और फायर करने के बाद यहाँ से रिटेलिएट हुआ और वो एंसुइंग एनकाउंटर कम से कम 6-8 घंटे चलता रहा। और उस एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट इस वक्त तक जो है वो मारे गए हैं, उनसे 5 AK-47 राइफल्स और बाकी गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी और हिंसा। इंटरनेट बंद किया गया। झड़पों में कुछ स्थानीय पत्रकार और पत्थरबाज भी हुए घायल। जम्मू डोगरा चौक से परेड की ओर जा रही मेटाडोर हुई हादसे का शिकार। इस दुर्घटना में 16 लोग घायल हो गए जबकि 5 को मामूली चोटें आई हैं और 11 को आगे के इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फ्रेंड्स डांसिंग इंस्टीट्यूट मेघा शो 2019 पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक में मनाया गया। इस शो में विभिन्न स्कूली बच्चों ने लिया भाग। अनंतनाग जिले के खुदरू और इसके आसपास के इलाकों के लोगों ने अनंतनाग के खुदरू में सद्भावना मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया। चल रहा है तो यहाँ के आसपास के गांव के लोगों को उनके घर के नज़दीक ही मेडिकल की सुविधा मिल पाए ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण हो सके, यही हमारा मुद्दा था। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। तो क्या ऐसी सुविधा आगे भी देखने को मिलेगी? आज उधमपुर के जागृति ओल्ड एज होम में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर साल इस दिन हम खास करके इस दिन उन लोगों को, उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जो समाज को कुछ दे रहे हैं। तो आज हम विश्वमूर्ति शास्त्री जी संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत विद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं, उनको सम्मानित करेंगे। आरटीओ बांदीपुरा ने आज 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के साथ बैठक हॉल मिनी सचिवालय डीसी कार्यालय परिसर बांदीपुरा में आयोजित किया। एक्टिविटीज की पूरे हफ्ता मकसद उनका यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्राइवर्स को सेंसिटाइज कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें ताकि वो रोड सेफ्टी नॉर्मल जो है, बेसिक रोड सेफ्टी नॉर्मल जो वो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रही सभी एक्टिविटीज़ में कि उनको हम एजुकेट कर सकें, सेंसिटाइज कर सकें वो, ताकि वो रोड सेफ्टी नॉर्मल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से घाटी के लिए वाहनों की थमी आवाजाही ने व्यापारियों के लिए संकट बढ़ा दिया है। खासकर सब्जी व्यापारी घाटे के दौरे में आ गए हैं। ये कोई सुविधा है ना ही कोई रोड साफ कर रहा है सर। बाकी आप अब आज आए हैं, आपने हमको राशन पानी दिया है, अब देखो कितने दिन लग जाएंगे कोई मालूम नहीं है। पीछे बच्चे भी परेशान हैं, हमको आज 20-22 दिन हो गया रोड पे खड़े हमको, हर एक चीज की दिक्कत है। सैकड़ों बैंक गार्डों ने संबंधित अधिकारियों को मजबूत प्रदर्शन के लिए बांधे किया। जम्मू और कश्मीर बैंक सुरक्षा संघ दक्षिण कश्मीर के अध्यक्ष रमीज रेशी ने कहा कि अलग अलग कंपनियों ने सुरक्षा गार्डों को दबाव में डाला। जाएगा।
रामबन में भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी बंद, रास्तों में रुकी हजारों गाड़ियां। भद्रवाह में भारी बर्फबारी के बाद पिछले 5 दिनों से बिजली बंद, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है विभिन्न परेशानियों का सामना। जम्मू में फंसे 186 कश्मीरी यात्रियों को आज एयरलिफ्ट किया गया, जिनमें 170 युवा और 5 साल के कम उम्र के 16 बच्चे। 13 से 15 फरवरी को फिर मौसम खराब रहेगा, जम्मू में मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी। कॉरपोरेटर सुरिंदर शर्मा ने वार्ड नंबर 38 बसंत नगर पलोड़ा में राधा विहार मोहल्ले का उद्घाटन किया। मोहल्ला प्रेसिडेंट सचिन खजूरिया ने हमें जानकारी दी कि इस मोहल्ले में 1 से 46 घर है। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।